प्रति रविवार मंगलनाथ रोड पर आयोजित होने वाले सैर सपाटे में आज सुबह ब्लास्ट होने की खबर से शहर भर में सनसनी फैल गई। सैर सपाटे में रविवार को गुब्बारे में गैस भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया है। हादसा सुबह 6:15 बजे दीवाजीगंज थाना क्षेत्र के खाद चौक चौराहे पर घटित हुआ, जब गुब्बारे बेचने वाला युवक सिलेंडर में गुब्बारों में हवा भर रहा था। इसी दौरान गुब्बारे खरीदने के लिए यहां मौजूद और आसपास खड़े अन्य लोग ब्लास्टिंग की चपेट में आ गए। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में एक बच्चे को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। प्रति रविवार सुबह खाक चौक में सैर सपाटा मेला लगता है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों के साथ लोग पहुंचते हैं। लेकिन नववर्ष के दूसरे ही दिन रविवार को लगने वाले मेले में खाक चौक चौराहे पर अल सुबह गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि समीप की दीवार टूट गई, पास ही खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। सिलेंडर में ब्लास्टिंग की खबर लगते ही बीडीएस की टीम और थाना दीवाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया। एफएसएल अधिकारी ने बताया 5 लोग घायल हुए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 8 साल के नक्श बच्चे की हालत गंभीर है, उसे इंदौर रेफर किया गया। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके फूफी की अपनी गाड़ी थी और अपने पास में सिलेंडर था, फ्रीगंज वाला है, उसके पास पन्नी के हवाई जहाज वगैरह ने खुला था, तो 3 सिलेंडर थे उसके पास में। उसके पास में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। अब मैं मेरा सामान अवेर रहा था पीछे पलट के, और जैसे हमने फुग्गा लगाया उसमें वो तो खुलाने लगा, तो उसका सिलेंडर फूट गया। उसका सिलेंडर जैसे फूटा मैं जैसे किसी चक्कर खा के गिर पड़ा, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने मेरे पैर को सही करा और ऐसे बैठ गया। माँ को ऐसा तो कुछ मालूम नहीं था। हम थे 6 जने, 6-7 जने थे, तो उनमें से हम ये मेन स्टेज जा लगता है अंपाक मार्ग पर, हम वहाँ बैठे थे और निकलने वाले थे, तो हमारा ध्यान मंगलनाथ रोड पर था। तो जैसे ही हम बताऊँ निकले उधर मुंडा कर तो बताऊँ सबसे बताऊँ पहला वार मेरे ऊपर हुआ तो एकदम कहना क्या आया, भाटा आया, कांच आया, क्या आया नहीं मालूम मेरे को सर, पर एकदम ऐसा लगा कि बताऊँ इस तरह से बहुत जोर से लगी, तो हम बक्के गए थे। और जिस स्थान पर गुब्बारे वाला खड़ा था और जो घटना हुई है, कार्यक्रम के दौरान वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं, और वैसे भी खाक चौक चौराहा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो निश्चित रूप से हम सबको बड़ा दुख है कि दुर्घटना घटी है। फिर भी पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उन बच्चों को उपचार के लिए पहुंचाया है, और हम लोग भी इन बच्चों की चिंता कर रहे हैं। उनके लगभग प्रारंभिक जानकारी थी कि 3-4 बच्चों को चोट लगी, उसमें एक को ज्यादा लगी है। एक बच्चा ओंतीपुरे में रहता है, उनके माता पिता को तत्काल खबर की, वो भी पहुंच गए थे अस्पताल में, और अभी हम लोग भी वहां अस्पताल जाने वाले हैं और उनकी उपचार की उचित व्यवस्था करेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो उसका ध्यान भी रखेंगे। ये एक सैर सपाटा चल रहा था यहाँ पे, और एक बैलून वाला है, उसका जो सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर बेसिकली, वो ब्लास्ट हो गया है। तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण कुछ कैजुअल्टी हुई है, उसके कारण कुछ इंजुरीज हुई है लोगों को, तो वो अभी हम दिखवा रहे हैं घटनास्थल पे कि ये किस प्रकार से इसने बनाई होगी गैसेस। केमिकल कुछ हमने जब्त करवाए हैं, किस प्रकार से इसने गैसेस बनाई होगी और ये क्या चल रहा है, पूरा हम प्रकरण देख रहे हैं। करीब 50-60 फीट एरिया में सिलेंडर उड़ा है, तो हम जांच करवा रहे हैं क्या कर सकते हैं।